तो जी हाँ दोस्तों आज मैं आप लोग को आ, नरूटा का कुनाई बनाना सिखाने वाला हूँ जिसको हम लोग कनाई के नाम से भी जानते हैं जो कि बिल्कुल ऐसा बनेगा आप लोग को ऐसा दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा मगर इस चीज़ को बनाने के लिए आप लोग को पहले ही मैंने बता दिया रेसिपी जो चीज़ा उनके आपको नीड है ये कौन थोड़ा सा अगर आपको डेकोरेट करना है तो ज़रूरी है आपको और आप लोग इस पेपर को ब्लैक में भी ले सकते हैं क्योंकि ब्लैक में लेने पर आपको ऑनली वाइट टेप यूज़ करना पड़ेगा और ये वाला टेप यूज़ करना पड़ेगा ओके सो तो ये मैंने थ्री के टेप ब्लैक टेप जो रहता है उससे मैंने कर लिया इसे ऐसा ओके तो चलिए शू करते हैं तो सबसे पहले आप लोग को अपना पेपर ले लेना है और पेपर को हाफ में फोल्ड कर लेना है बिल्कुल इसी तरह अच्छे से फोल्ड कर लीजिए फोल्ड करके से ऐसा टाइट भी कर लीजिए हो गया अभी इसे आप लोग को ऐसा खोलना है और इसे आप लोग को बिल्कुल लाइक like मिडिल में से आप लोग को इसे काट डालता है तो चलिए काटते हैं इसे वन टू थ्री तो यहाँ पर हम लोग के पास हाफ पेपर आ गया है तो आप लोग को बाकी का जो हाफ पेपर है इसे आप लोग को अलग से साइड में रख लेना है अभी आप लोग को मैं बताऊंगा कि इस हाफ़ पेपर के साथ आपको क्या करना है अब आप लोग को इस पेपर को हाफ में फोल्ड कर लेना है तो आप लोग को इसे हाफ में फोल्ड कर लेना है बस ऐसा बिल्कुल आपको हाफ में फोल्ड करना है आप लोग को इसे बिल्कुल इक्वल हाफ में फोल्ड कर डालना है और बिल्कुल ऐसा दिखेगा यह हाफ फोल्ड हुए बाद में हाँ ऑब्वियसली सबको मालूम ही है अब इसे आपको ऊपर से जो है थोड़ा सा हाफ शेप करना है अब आप लोग को यहाँ पर हाफ पेपर मिल जाएगा अब आपको इसे बिल्कुल एरोप्लेन के शेप में कर लेना है एरोप्लेन के शेप में करने से पहले आपको ऐसा इसे और एक बार ऐसा हाफ़ में टर्न कर लेना है फोल्ड आई मीन सॉरी अब ये हो गया अभी आपको इसे खोल लेना है और ये लाइनिंग्स के हिसाब से लाइनिंग्स के हिसाब से ये लाइन के हिसाब से आप लोग को बीच में दिख रहा होगा ऑबियसली आई डोंट नो अभी दिखा होगा आप लोग को ये जो लाइन है आपको इसके हिसाब से इसे फोल्ड कर लेना है अब आप लोग को इसे फोल्ड करके ऐसा लाइक थोड़ा सा प्रेस कर लेना रहता है जैसा कि नॉर्मल प्लेन को आप लोग करते हैं वैसे अब इसे दूसरे साइड से भी करना है आपको दूसरे साइड से भी हो गया अब आपको ऐसा कुछ प्लेन की शेप मिल जाएगी अब आपको इसके ऑपोजिट साइड पे यानी कि डाउन साइड पे आपको इसके वैसे ही सेम प्रोसेस करना है अब जब आप डाउन साइड पे भी कर लेंगे अब आप लोग के पास ऐसा कुछ शेप आ जाएगा इसका देख सकते हैं आप लोग सही से देख लीजिए अब आपको अब आप ये डाउन साइड जो भी आपको चूज करना है कर लीजिए और उसके बाद इसे मैं लाइट ऑफ कर डालता हूँ क्योंकि इट्स डिस्टर्बिंग ओके सो यहाँ पर आप लोग को अब क्लियर लुक आएगा अभी आप लोग को इसे ऐसा करना है ऑब्वियसली आप लोग को दिखाएगा आप लोग को इसे बिल्कुल ऐसा कर लेना है फोल्ड करना है आपको इसे एक और एक बार ये देखिए आप लोग देख रहे हैं इसे आप लोग को ऐसा फोल्ड कर लेना है ओके हो गया अब आपको दूसरी साइड पे भी वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है आपको आप लोग कंफ्यूज ना हो ना कि कौशो मैंने दूसरी साइड बोला तो आप लोग नीचे का समझेंगे ऊपर के उस पर आप लोग को करना है ऊपर के दूसरी साइड पे अब आप लोग को ये पेपर को ऐसा रिवर्स उसमें फोल्ड करना है हाफ रिवर्स उसमें आप लोग फोल्ड कर देंगे बिल्कुल ऐसा दिखेगा ये रिवर्स उसमें फोल्ड करने के बाद अब आप लोग को इसे ऐसा फोल्ड कर लेना है एक और एक बार ऐसा रिवर्स ही रहना चाहिए ये और आप लोग को इसे ऐसा कर लेना है आप लोग को दूसरी साइड पे भी वही सेम प्रोसेस रिपीट करना है मैं आप लोग को बता देता हूं पहले रिवर्स रिवर्स हो गया आप तो लोग देख सकते हैं अब आप लोग को इसे ऐसा फोल्ड कर लेना है हो गया ऐसा सही से फोल्ड कर लीजिए अब ये हो गया अभी आप लोग को ये कुछ शे, कौन की शेप आने लग जाएगी अब आप लोग को इसे खोलना है कोई भी साइड लेफ्ट या राइट कोई भी साइड आपको इसे टोटली खोल है ऐसा और फिर उसके बाद आप लोग को ये लाइन दिख रही होगी ऐसा ये वाली लाइन ऐसा कर लेना है आपको लोगों को देख सकते आप लोग ये थोड़ा सा हार्ड प्रोसेस हो सकता है आप लोग के लिए आप लोगों को ऐसा कर लेना अभी अंदर इतनी जगह रहेगी अब आप लोग को इसे पूरा फोल्ड करना है फोल्ड करके बिल्कुल एंडिंग में ला लेना है अब इधर आपको इसे टेप कर डालना है सो लेट्स टेप इट अब आप लोग को इसकी जो एंड है उस पर आप लोग को इसे लेना है और ऐसा यूं करके इसे आप लोग ऐसा रोल कर ले सकते हैं जो कि एक्स टेप रहेगा जो कि एक्स्ट्रा टेप रहेगा उसे आप लोग रोल कर ले सकते हैं अब ये वाले पेपर को आपको साइड में रख डालना है अब आ जाएगा आपके स्टिक और ये वाले पेपर का काम अब इट डिपेंड्स ऑन यू अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो आप इसे नॉर्मली रोल कर लीजिए नॉर्मली हाथ से ऐसा कॉर्नर से रोल करना है कभी भी इधर से नहीं रोल करना है मतलब ऐसा नहीं जाना है आप लोग को ऐसा जाना है मैं अब आप लोग को बता दूंगा ऐसा जाना है मतलब आप लोग को तो अभी आप लोग इसे लेते हैं आप लोग स्टिक ले लिए अब इसको आप लोग को ऐसा ऐसा कर डालना है और और अब ये जैसा ही आपके ग्रिप में आएगा ये लकड़ी के अब आप लोग को इसे रोल करना शुरू कर डालना है और मैं कभी भी ग्लू नहीं रिकमेंड करूँगा ये सब चीज़ों को चिपकाने के लिए बिकॉज ग्लू कभी भी बाहर आ सकता है मतलब like, ऐसा यू you नो know, अभी सही से नहीं चल सकता है ग्लू अभी आप लोग को इसे भी टेप कर डालना है वंस यू टेप इट इट विल लुक लाइक दिस आप एक बार टेप लगा लीजिए उसके बाद यह ऐसा दिखेगा अब आप लोग को क्या करना है अब आप लोग को ये वाला पेपर लेना है और इस पेपर के ऐसा आप लोग मिडल में देखिए तो आप लोग को ऐसा प्लेस दिखेगी अभी इसमें आप लोग को अपनी ये स्टिक ऐसा डालना है ये थोड़ा सा ऐसा यूँ करके आप लोग को डाल लेना है एंड इट्स रेडी जस्ट कीड़ी <laughs> अभी रेडी नहीं हुआ है अभी आप लोग को इसे थोड़ा सा सही से फिट कर लेना है आप लोग को जहां तक आप लोग को सेटिस्फैक्शन दिखे और ये पूरा लाइक अंदर चल जाएगा ओनली बचाएगा मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप लोग देख लेना कि तो कहीं अटकावत तो नहीं आ रही है like, it sometimes in middle, but, uh, you know, अब आप लोग को इसे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक टेप कर डालना है जैसा कि मैं आप लोग को अब करके बताने वाला हूँ अब आप लोग ऐसा ले लिया अब अब आप लोग बेटर इसे पहले ही ऐसा थोड़ा सा पुल आउट कर लीजिए क्योंकि अगर आप इस पर डाल के ऐसा फोर्स लगाएंगे तो आप लोग का जो कनाई का शेप है वो लाइक यू नो सही नहीं दिखेगा अब आप लोग को ऐसा करना है इसे जस्ट रोल इट काइंड ऑफ लाइक दैट अब यहाँ पर जो एक्सेसिव टेप रहता है आप लोग को शायद यहाँ यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को इसे आप लोग काट लीजिए अब आप लोग को कुछ ऐसी शेप मिल जाएगी इसी टाइप की अब आप लोग को इसे उठाना है और साइड में रख डालना है दैट वॉज नॉट स्टेप अभी आप लोग को अपनी फिंगर की जितनी साइज ले लेना है आप लोग को फिंगर के जितनी अब आप लोग को ऐसा फिंगर की जितनी साइज लेके इसे रोल कर डालना है थोड़ा सा एक्सेसिव कर लीजिए यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लीजिए अब आप लोग को इसे यहां पर रहेगा या आप लोग को थोड़ा सा ऐसा इसे मोड़ लेना है अभी आप लोग को इसे मोड़ के आप लोग को थोड़ा सा और भी लग सकता है समटाइम्स और इट लुक समथिंग लाइक दैट अभी आप लोग को अगर थोड़ा सा और की ज़रूरत है तो आप लोग यूज़ कर लीजिए ये आप लोग ऐसा कर ले सकते हैं और फिर यू हैव टू रोल इट एंड टेप इट अब आप लोग को क्या करना है कि अपनी फिंगर के साइज तो आप लोग को सही से आ रही है आप लोग को ये देख लेना है अभी आप लोग को इसे थोड़ा सा रोल करना है ताकि इट विल लुक लाइक दिस क्योंकि कढ़ाई का जो शेप रहता है नीचे का वह ऐसा रहता है ना कि समथिंग लाइक दैट तो आप लोग इसे ऐसा पकड़ के यू नो लाइक ट्रिक्स करने के लिए तो आप लोग को इसे ऐसा कर लेना है और फिर टेप लगा लेना है आप लोग को तो अब आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा टेप ले लेना है अब आप लोग यहाँ पर टेप ले लिए आप लोग को दिख रहा होगा मेरे हाथ में अब आप लोग को इसे ऐसा लगा लेना है कि थोड़ा आधा टेप बाहर रहे और आधा टेप अंदर रहे यानी कि पेपर को पकड़ा वे अब आप लोग को इसे ऐसा व्यू करना है और इसे ऐसा कर लेना है अब आप लोग को इसे ऐसा यूँ फोल्ड करके आप लोग को अपने कुनाई के अंदर लगा लेना है और एंड दिस विल बी रेडी अब अगर आप लोग को थोड़ा सा डेकोरेट करना है इसे तो आप लोग टेम का टेप यूज करके एज हैव टोल्ड यू वैसा कर सकते हैं अब आप लोग को इसे यू डोंट हैव टू लेट इट ऑफ लाइक दैट ओनली यू हैव टू पुट अ लेयर ऑफ टेप ओवर हियर आल्सो मतलब कि आप लोग को इधर भी एक लेयर की, टे, की, की टेप की लेयर डालना है आपको लेयर की टेप वॉक आप लोग जैसा देख रहे हैं आप लोग को इधर ऐसा लेयर डालना है आप लोग को टेप के और फिर तो ऐसा एग्जेसिफ ऐसा कर हैं आप लोग को काट लेना है और फिर ऐसा कर लेना है इट्स डन अब आप लोग देख सकते हैं कि वो कैसा सही से चल रहा है मैं जाके लेके आता हूँ तो so, ये रेडी हो गया आपका गुनाई ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है एज यूजल ये बहुत बार बोल दिया मैंने आप लोग ऐसे ऐसा भी डेकोरेट कर ले सकते हैं ओके बस इतना श्योर कहिए कि कल्सो आप लोग इधर ज्यादा टेप की लेयर ना लगा दे जिसकी वजह से इधर अटकना शुरू हो जाए मैं आप लोग को एग्जाम्पल देता हूँ अगर आप लोग ज्यादा की टेप की लेयर लगाएंगे इधर हाँ ऑफ इयर ओके आप लोग अगर इधर ज्यादा टेप लगाएंगे तो इट विल स्टार्ट इट विल्जर्व नहीं अनकम्फर्टेबल हो जाएगा या फिर मैं बोल सकता हूँ बहुत कम जगह रह जाएगी इधर or it will like stuck in middle like that. and then इट यू के नॉट डू द टेक्निक्स ओके ये हुआ था मेरे साथ जब मैं इसे ऐसा बनाया था इस पर ज़्यादा लेयर की टेप की लेयर लगा दिया था लेयर की टेप लेयर की टेप क्या बोल रहा हूँ मैं ओके सो दैट्स फॉर दिस वीडियो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ये वीडियो के ऊपर मैं ओनली टेन लाइक्स एम करता हूँ लास्ट मेरी शर्टफाइड की वीडियो के ऊपर मैंने एम करे थे फिफ्टीन लाइक्स मगर वो आए नहीं अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो टेन कम से कम कर दीजिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय